हमने इस चैनल पे बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस की वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उनमें बेस्ट या मेरी फेवरेट या जिनको मैं खुले आम रिकमेंड करता हूँ वो होते हैं एमोलेड वॉच वाले वीडियोस, सॉरी स्मार्ट वॉचेस। टंग स्लिप हो जाता है, दिक्कत कर लेना। चाय पी के वीडियो बना रहा था भाई, इन्होंने पैसे नहीं दिए इसलिए इनका प्रमोशन नहीं करेंगे। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं बजट से मिड रेंज तक के एमोलेड डिस्प्ले वाले वॉचेस, जिसकी वीडियोस हम उन्हें बना रखी है और सबको शोकेस कर रखा है। यहाँ पे इतनी सारी वॉचेस हैं और इन सभी का लुक भी काफी ज्यादा सिमिलर सा लगता है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये राउंड डायल वाली वॉचेस काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वॉच से, जो कि है फायरबोल्ट की इनक्रेडिबल। अब फायरबोल्ट और नॉइस की जितनी वॉचेस बताएंगे हम लोग, उन सभी का कूपन कोड है अपने पास, आप उसको यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो उनकी वेबसाइट के थ्रू। नॉइस के लिए ये कूपन कोड यूज करना और फायरबोल्ट के लिए ये वाला। फायरबोल्ट इनक्रेडिबल की प्राइस अभी 3200 चल रही है, अभी सेल वेल है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेकआउट कर लेना। अपडेटेड प्राइस इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3500 जाएगा। वॉच का बिल्ड क्वालिटी ऑल मेटालिक है, काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्ट स्ट्रैप है इसका, और जो डिस्प्ले 360x360 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो काफी एक वाइब्रेंट पंची कलर्स वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको। और वॉच काफी स्लिम सा भी है और इसका जो पिंक वाला कलर है और सेक्सी सा लगता है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन भाई वॉच बहुत ही अच्छा है। वेट में 41 ग्राम्स का वेट है इसका, 35 से नीचे वाला सुपर लाइट, 40 के अराउंड लाइट वेट, 50 से ऊपर थोड़ा सा हेवी हो जाता है, और ये एक लाइट वेट कैटेगरी है। खूब सारे आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, 28 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे आपको, और इसके अंदर इनबिल्ट गेम्स भी हैं, तो खेल लेते हैं। डिस्प्ले काफी अच्छा, टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है इसका। 5 हो गया भाई, 6 हो गया, और इवन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर रेस टू वेकअप नहीं है, जो कि एक छोटा सा इशू लगता है मुझको। दूसरे वॉच में बढ़ते हैं और ये है अपना नॉइस का इवॉल्व 2, एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी वॉच है। नॉइस की ये वाली वॉच पतले क्लाइंटों के लिए और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। पहली बात, बहुत ही क्यूट है, 1.2 इंच का डिस्प्ले, यूजुअली 1.3 इंच होता है। झाजी बताइए कैसा लग रहा है? मोटी क्लाई है। तुमसे नहीं पूछूंगा मैं, ऑडियंस से पूछ लेता हूं। भाई और बहनों आप लोग बताइए कैसा लग रहा है ये वॉच, सच में काफी सही सा लगता है। दूसरी बात, इसके यूआई की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा यूआई बनाया है नॉइस वालों ने, एकदम डिफरेंट है, और बहुत दिन के बाद यूज कर रहे हैं इस वाली वॉच को, तो हल्का सा लैग फील हो रहा है मुझको। और वॉच के साथ जो स्ट्रैप मिला है बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला स्वेट प्रूफ वाला स्ट्रैप है, और डेफिनेटली इसका जो बिल्ड है पूरा मेटालिक है, आपको आवाज सुन रहे हो दोस्तों। जस्ट 38 ग्राम्स का वेट है और अभी इसके ऊपर एक अपडेट भी चल रहा है। नॉइस की वॉचेस में मैंने देखा है कि काफी अपडेट आते रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। वॉच का जो बेजल थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली अभी जितने वॉचेस आ रहे हैं, हल्का सा राउंड एजेस वाला वॉच है, इसका जो एज है वो ग्लॉसी सा है, तो जब वॉच रहती है बंद तो आपको बिल्कुल भी इसका बेजल दिखता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी कहूंगा मैं इसको। और जो नॉइस का एप्लीकेशन है वहां पर भी भाई पूरा अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि वॉच फेस का कलेक्शन बहुत ही अच्छा, एक वॉच फेस लगाते हैं ये वाला, इवन के 12 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे इसके अंदर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और रेस टू वेकअप भी इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। इतने सारे वॉच के बीच में एक इंपॉर्टेंट वॉच तो छूटी गई भाई, ये है डीजो वॉच आर। अभी इसकी प्राइसिंग 4000 रुपए चल रही है, 3 कलर अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रे एंड पिंक। अपने पास एक ग्रे वाला है, काफी सही लगता है देखने में। डीजो के जितने वॉचेस हैं इसके भाई स्ट्रैप्स बहुत ही अच्छे होते हैं और बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। महंगा वाला ग्लॉसी प्लास्टिक ग्लास्टिक यूज किया गया है, और जो यूआई मिला है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है भाई, एकदम मस्त मक्खन चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। रियलमी ने अपने वॉच वाला यूआई डाल के दिया इसके अंदर, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं होगा। और स्पोर्ट्स मोड में रियलमी ने सबको भी छोड़ दिया, 110 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे आपको, यूज कोई नहीं होता लेकिन नंबर अच्छा है। इस वाली वॉच की सबसे अच्छी बात लगती है मुझको, इसका जो लुक है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम से लगता है, और पूरा एक एमोलेड डिस्प्ले है, और यहाँ पे बेजल्स भी काफी कम है। एक बार पहन के दिखाते हैं आपको, लुक देखो, लुक भाई प्रीमियम लगता है देखने में। वैसे इसके अंदर बैटरी इशू था, अब नहीं है, बैटरी लाइफ 7 दिन चल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर है, उसको ऑन रखोगे तो 2 दिन चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा, तो डेफिनेटली इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई है, एक अनबॉक्सिंग है, एक फुल रिव्यू, दोनों को आप चेकआउट कर सकते हो लेने से पहले। नेक्स्ट वाले वॉच बढ़ते हैं, थर्ड वॉच अगेन फायरबोल्ट की तरफ से। भाई फायरबोल्ट ने बहुत स्मार्ट वॉच लॉन्च किए, उसमें से बेस्ट इनका है फायरबोल्ट थंडर। वॉच देखने में काफी ज्यादा बवाल लगती है, और इसका जो बिल्ड है भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम देखने में लगता है। ये वाला कलर मुझको उतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको 3 अलग अलग कलर अवेलेबल है यहाँ पे, ब्लैक एंड ग्रे यहाँ पे अवेलेबल है, और प्राइस इसकी चल रही है अभी 4000 रुपए। 4000 रुपए में आपको एमोलेड डिस्प्ले वॉच मिलता है, इतनी
अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, कॉलिंग आपको मिल जाएगा। कॉलिंग क्वालिटी के लिए आप इसका एक्चुअल वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आई बटन में भी डाल देंगे। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, इसके अंदर 128GB का स्टोरेज भी है और यहाँ पे इसका चार्जिंग पिन भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये एज अ डेटा केबल काम करता है। इसको ऐसा अटैच करो, अपने पीसी में कनेक्ट करो और फायरबोल्ट थंडर का ड्राइव आ जाएगा जिसमें आप गाने वाने डाल सकते हो। और हमने गाने डाल रखे हैं इसके अंदर, तो वॉच से ही आप गाना सुन सकते हो। यहाँ पे मेन्यू में आप म्यूजिक में जाओ, प्ले करो फुल वॉल्यूम। अभी फुल वॉल्यूम है इसका। अपना OnePlus Z2 है, आप देख सकते हो OnePlus Z2 इसके अंदर आ चुका है। तो अपना ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करके इसे गाना वाना भी सुन सकते हो और डेफिनेटली हर एक चीज बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये कॉन्सेप्ट किसी भी वॉच में आपको देखने को नहीं मिला अभी तक और बहुत ही अच्छा काम करता है। और एप्लीकेशन में वही सेम द फिट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा आपको और यहाँ पे आराम से सारा डेटा सिंक हो जाएगा। कनेक्शन काफी अच्छा है, वॉच के अंदर बॉडी टेम्परेचर भी है और बाकी जितने भी फीचर्स होते हैं सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। और वेट की बात करें, 57 ग्राम्स का वेट है। ये थोड़ा बल्की लुक आता है लेकिन भाई ये थोड़ा रिजिड और तगड़ा वाला लुक है और मेरे को अच्छा लगता है काफी। वैसे जब लॉन्च होता तो 5000 रुपए का था तो थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा था पता नहीं क्यों, लेकिन अभी 4000 में तो भाई मस्ट बाय है। 4500 तक की प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है इसकी। अब बात करते एक ऐसे वॉच का जो कि मेरा काफी दिन तक फेवरेट रहा था। इस वाले वॉच का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे पहली बात, जो बिल्ड क्वालिटी है वो स्टेनलेस स्टील की है और ये वाला कस्टम स्ट्रैप है, नॉइस वाला ही है। और पीछे से अगर आप देखो तो ग्लास बॉडी यूज किया गया। आगे में जो वॉच का डिस्प्ले बहुत ज्यादा बड़ा सा है और जो बेजल्स है एकदम नेग्लिजिबल है और देखने में काफी महंगा और एक्सपेंसिव वॉच लगता है। और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, जैसे कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी है और इसके अंदर नॉइस ने सारे सारे फीचर्स भर रखे हैं। बेसिकली नॉइस का ये बेस्ट वॉच है जिसमें हर एक चीज मिलती है आपको, जैसे कि हेल्थ फीचर में सारी चीजें हैं, क्लॉक में आपको वर्ल्ड क्लॉक से लेकर हर एक चीज मिल जाएगा और एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, कैलकुलेटर इसके अंदर ही है, सेटिंग्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये थप्पी वाला फीचर भी, ऐसा थप्पी मारो वॉच ऑफ। अभी इसकी प्राइस 4500 रुपए चल रही है और यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है। स्पेसिफिकेशन में 1.7 इंच का एमोलेड पैनल है, 368x448 रेजोल्यूशन है इसमें, 60+ स्पोर्ट्स मोड है और हर एक चीज मिल जाएगा इसके अंदर। और एक बार वेट देख लेते हैं, वेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि स्ट्रैप दूसरा यूज कर रहे हैं हम लोग, 48 ग्राम्स। अब ये जो वेट है थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में आता है लेकिन हल्का सा वेट प्रीमियम फील देता है मेरे हिसाब से और डेफिनेटली दिस वॉच इज वन ऑफ देम। और अब बात करते हैं जो वॉच मैं डेली यूज करता हूँ, इसका नाम है क्रॉसबीट का ऑर्बिट एक्स। बेसिकली इसका जो एमोलेड पैनल है वो वन ऑफ द बेस्ट एमोलेड पैनल है जो कि बजट प्राइस में मिलेगा आपको और जिसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी, पूरी शाइनिंग से बिल्ड क्वालिटी है। और प्रीमियम वॉचेस के लिए इसके अंदर क्राउन भी है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अच्छा फिजिट वाला फील आता है, जब मैं कुछ करता नहीं क्राउन ही घुमाता रहता हूँ, मजा आता है उसमें भाई। और इसके अंदर ऐसे स्प्लिट स्क्रीन भी है और ऐसे मेन्यू में जाके इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मजा आता है इसमें भी। और इसके अंदर कॉलिंग फीचर भी है और जो पूरी बिल्ड क्वालिटी देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। पीछे में ग्लास का यूज किया गया है, 454x454 वाला रेजोल्यूशन मिलता है आपको, बहुत ही ज्यादा हाई है वहाँ पे, तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रीमियम लुकिंग एमोलेड डिस्प्ले है इसके अंदर। और फीचर्स में कॉलिंग वॉच है, आपको कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो इसका UI है थोड़ा सा कस्टमाइजेशन ज्यादा है इसके अंदर, जैसे कि आपको जो चीज रखना है वो चीज रखो यहाँ पे। मेन्यू में आपको हल्का सा सस्ता वाला एप्पल वॉच वाला फील भी दे देता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो डेफिनेटली भाई हर एक चीज अच्छा काम कर लेता है और कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। 15 स्पोर्ट्स मोड है, काफी ज्यादा एक्यूरेट है ये और इसके अंदर स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी है, तो फीचर रिच वॉच है, कॉलिंग वॉच है, देखने में काफी अच्छा है, देखने में प्रीमियम लगता है। और अगर वेट की बात करें, 57 ग्राम का वेट है इसका, 58 ग्राम्स का है और जो थंडर है अपना 57 ग्राम का है। देखिए उन्होंने वेट बैलेंस ऐसा किया है कि इतना भारी लगता भी नहीं। मैंने यूज किया इसको और मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से जानता हूँ इसके बारे में, तो डेफिनेटली 6000 रुपए के हिसाब से बहुत ही वर्थ इट वॉच है। प्रॉब्लम इसके अंदर थोड़ा बहुत UI लैग आता है और बैटरी इसकी 3 दिन चलती है उसके ऊपर नहीं चलेगी आपको, और जो नोटिफिकेशन होते हैं उतने ज्यादा क्लीन नहीं होते, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन और उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो चीज मैंने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट वाले वॉच के बारे में बात करते हैं, ये है अपना Amazfit GTS 2 मिनी न्यू वर्जन। इसका रिसेंटली हमने रिव्यू किया है, बहुत ही कड़क वॉच है। सबसे पहली बात, इसकी जो प्राइसिंग आ रही है अभी 6000 रुपए आ रही है, अमेजोन पे आप देख सकते हो, बेस्ट सेलर वॉच है। Amazfit ने इसके अंदर अपनी सारी तगड़ी चीजें भर दी है, जैसे कि इसके अंदर एलेक्सा है, इसके अंदर 68 स्पोर्ट्स मोड है और स्पोर्ट्स मोड एक्चुअली बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी जो हमने वीडियो बनाई उसको आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। GPS ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है स्पोर्ट्स मोड के साथ, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इसके अगर आप सेंसर देखोगे तो भाई भर भर के सेंसर डाल रखे हैं,
एक्यूरेसी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट वॉच है जो कि बजट प्राइसिंग में आ रही है। एमोलेड डिस्प्ले और भाई रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसके साथ, टेम्परेचर मेजर दिखा देगा। एलेक्सा भी और रिव्यू वीडियो में हम लोगों ने एलेक्सा को टेस्टिंग की थी। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यूआई बहुत स्मूथ है, डेटा आपको हर एक चीज का मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इसने स्लिप ट्रैकिंग कर रखी है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और इसका वॉच फेस का स्टोर तो एकदम अनलिमिटेड है, भर भर की वॉच फेसेस मिलेंगे आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम लगती है मुझको कि ये थोड़ी सी छोटी वॉच है और स्ट्रैप की क्वालिटी और ज्यादा मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। स्ट्रैप अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, सिलिकॉन है, लेकिन 6000 की प्राइसिंग में थोड़ा और अच्छा हो सकता था। अदरवाइज बाकी सारी चीज इस वाले वॉच में बहुत अच्छी है। जितने फिटनेस फ्रीक है उनके लिए तो मैं मस्ट रिकमेंड बोलूंगा। और अब बात करते हैं थोड़े से प्रीमियम वॉच की, अमेज़फिट का GTR 2E। ये वाली वॉच की वीडियो हम लोगों ने अभी तक बनाई नहीं है, प्लान है बनाएंगे कभी, लेकिन भाई इसको हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत दिनों से और डेफिनेटली सबसे ज्यादा बड़ी डिस्प्ले है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ यूआई है। पूरा जो अमेज़फिट का प्रीमियम फीचर रिच यूआई होता है वही वाला इसके अंदर है। इसके अंदर एलेक्सा है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, जीपीएस इसके अंदर है, बिल्ड क्वालिटी में एल्यूमिनियम वाला फ्रेम है और भाई सेंसर्स भरे हुए हैं इसके अंदर। पीछे में प्लास्टिक का यूज किया गया, यहाँ पे एक अच्छा ग्लॉसी वाला जो प्लास्टिक यूज होता है वो यूज कर सकते थे, लेकिन स्ट्रैप बहुत ही अच्छा है और ओवरऑल प्रीमियम वॉच का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जिसमें आपको हर एक चीज मिलता है जो आपको वॉच के डेली लाइफ में चाहिए। 90+ स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में बेसिकली होता क्या है कि हर एक स्पोर्ट्स मोड के लिए अलग अलग मेजरमेंट आपको डाल रखी है, जैसे कि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपका हार्ट रेट भी होगा, स्टेप ट्रैकिंग होगा, टाइम भी होगा, डिस्टेंस होगा और जीपीएस के मतलब कहाँ दौड़े, सारा एक डेटा बहुत ही अच्छा मिलता है। तो डेफिनेटली जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं उनको तो अमेज़फिट भाई चुटकी बजा के लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको डेटा एक्चुअल में कैप्चर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली यहाँ पे काम आता है। गूगल फिट का आपको सिंक मिल जाता है। 8000 रुपये की प्राइसिंग है इसकी और 8000 रुपये के हिसाब से अमेज़फिट की वॉच है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसको भी। कलर्स में ग्रीन जो अपने पास है यहाँ पे, ग्रे और ब्लैक अवेलेबल है। डिस्प्ले साइज 1.39 है और एक बार वेट देखते हैं, 48 ग्राम्स का यहाँ पे वेट देखने को मिलेगा। साइज के हिसाब से काफी लाइट वेट वॉच है और ओवरऑल बहुत ही अच्छी। और पतले कलाइयों पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन आई कैन वेयर इट। तो ये था अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला कलेक्शन। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो दो एक्स्ट्रा वॉच आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है लेकिन उनके डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, फीचर रिच है और बजट प्राइसिंग में आती है। पहली वॉच है अपनी फायरबोल्ट की हरिकेन। भाई 2000 की लॉन्च हुई थी ये, इसको हमने रिसेंटली रिव्यू किया था। अगर इसका डिस्प्ले आप देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा है, बेजल लेस है और डिस्प्ले ऑफ होने के बाद आपको बेजल पता भी नहीं चलता, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डिस्प्ले वाली वॉच है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक्चुअल वीडियो देख सकते हो। और दूसरी वॉच अपने पास अभी है नहीं, लेकिन ये है नॉइस का क्लरफिट अल्ट्रा। ये 2500 की वॉच है और इसका डिस्प्ले 1.75 इंच का है, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, बेजल बहुत कम है, बहुत ही ब्राइट है और फीचर रिच है। नॉइस का सारा माल मसाला इसके अंदर है। अमेज़न पे 4.1 की रेटिंग से। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप कि भाई काफी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लगी हो आपको। अगर आपको एक वॉच लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सब चीज का, उसको आप क्लिक करके लोगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी पर आपको सेम प्राइस पड़ेगा भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल